हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम एक Q&A सेशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनका जवाब क्या है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से काफी सारे मैसेजेस मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। उसमें से कुछ मैसेजेस मैंने चुने हैं जिनके सवाल बहुत ही फ्रीक्वेंट थे। ठीक है, तो इनके जवाब मेरे ख्याल से आपको पता होने चाहिए। बहुत लोगों को मैं समझा पाया, नहीं भी समझा, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना भी आया हो। तो आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आपको सारी चीजें बता दूंगा, ताकि आपको एग्जाम को लेकर के या आपको अपने कोर्स को लेकर किसी भी तरह का सवाल आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं, इग्नू की हम लोग बीकॉम एंड एमकॉम की कोर्सेज करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉसिबल है। बट ऑफलाइन जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल हो पाएगा, कैलकाटा में हमारी क्लासेस हो सकती हैं। बट जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तकरीबन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हमसे वहाँ पे जुड़ते हैं। ऑलरेडी 4-5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एम कॉम के, बी कॉम के 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासेस में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये Jan 2022 में ही हमने स्टार्ट करा है अभी रिसेंटली। इससे पहले हम लोग नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो कि अभी भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो चलो फिर आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो तड़कता भड़कता सा सवाल है वो ये है कि क्या एमकॉम Jan 2022 सेशन वाले एग्जाम जो June 2022 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एमकॉम Jan 2022 से पहले डिफरेंट था, Jan 2022 के बाद एमकॉम डिफरेंट हो गया। पहले ईयरली बेसिस पे होता था, अभी सभी सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। लेकिन लेकिन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, इग्नू ने अभी तक बुक्स इशू नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से इग्नू ये भी कह रही है कि आपके एग्जाम जो है ईयरली बेसिस पे फिलहाल होंगे। बट जब सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, सारे बुक्स आपके आने लगेंगे टाइम पे, सब कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, तो ये आपका जो सेमेस्टर वाइज है कोर्स वो सेमेस्टर वाइज हो जाने वाला है। ठीक है, तो जो सवाल है आपका सबसे पहला, मैं बता दूं कि हाँ आप एग्जाम दे सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा मत देना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको फर्स्ट ईयर में, आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर है। देखो, MCO 1, MCO 4, MCO 5 और MCO 21, ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के ये 4 पेपर हैं। सेकंड सेमेस्टर में MCO 22, 23, 24 एंड MCO 6, ये आपको देना पड़ेगा। तो टोटल 8 पेपर हो गया। अब आपका सवाल है कि क्या सर हम जून में दे सकते हैं? तो बिल्कुल जून में दे सकते हो, लेकिन आपको ये सिर्फ 4 पेपर ही देने को मिलेंगे। ये जो 4 मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये 4 पेपर दे सकते हो, बट उससे भी पहले जरूरी है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट करो। 30 जून से पहले अगर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाते हो तो ही ये पेपर देना, अदरवाइज देने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप बिना असाइनमेंट के एग्जाम देते हो तो हो सकता है कि उसकी वैलिडेशन ना रहे, वो मार्क्स आपको ना दिए जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट इफ यू विल बी एबल टू सबमिट योर असाइनमेंट, देन ओनली यू विल गिव द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल नॉट। ठीक है ना, तो ये आप कोशिश करना। और सपोज अगर आप अभी नहीं भी एग्जाम देते हो, बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन है कि सर अभी एग्जाम नहीं देंगे तो क्या दिक्कत होगी, क्या अगले साल फिर एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब एक साल बाद एग्जाम देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। इग्नू के एग्जाम हर 6-6 महीने में होते हैं। जैसे पहला सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन है वो 6 साल का है, सॉरी 6 महीने का है, वो 6 महीना आपका कंप्लीट हो गया, आप उसके बाद कभी भी एग्जाम दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो, दिसंबर में भी दे सकते हो, अगले साल जून में भी दे सकते हो, अगले साल दिसंबर में भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब देना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि 2 साल का कोर्स को कंप्लीट करने में 3 साल लग जाते हैं, 2.5 साल 3 साल एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में, या समटाइम्स फॉर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस लोग एग्जाम टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो उनका देर हो जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में आपका ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने कब एग्जाम दिया, कितने पेपर का एग्जाम दिया, ये सब कुछ मेंशन नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपका तभी आएगा जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको सही लगे, लेकिन हाँ जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल का कोर्स है, 1 साल हो जाना चाहिए तो ही आप एग्जाम दे पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका Jan 2022 में एडमिशन हुआ और वो बोल रहे हैं कि सर क्या हम 8 पेपर एक साथ दे सकते हैं। भाई कैसे पॉसिबल है, 8 पेपर के लिए आपको 1 साल पूरा देना पड़ेगा ना, कि 4 पेपर पहले सेमेस्टर का, 4 पेपर सेकेंड सेमेस्टर का, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे ध्यान दें, 8 पेपर आप दे सकते हो और वही करो, दिसंबर में ही दो। सपोज पहले भी देखो 6 पेपर के एग्जाम होते थे दिसंबर में एक साथ, ठीक है ना, तो 8 पेपर, 2 पेपर और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला। और फिर भी अगर आपको टफ लगे तो 6 पेपर के दो, 2 पेपर छोड़ दो, अगले 6 महीने में देना। अगले 6 महीने में थर्ड सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे,
प्लस 2 सब्जेक्ट अभी के कर लो, 6 सब्जेक्ट हो गए। ऐसे बांट लो ना, इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अच्छा, दिसंबर के एग्जाम में बैठने के लिए आपको 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट करवा देने हैं। ठीक है, और उससे पहले असाइनमेंट्स का सबमिट होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो दिसंबर 2020 में 30 सितंबर से पहले सबमिट कर आप दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 में बैठ सकते हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनका एडमिशन एमकॉम जैन 2022 में हुआ है। उससे पहले जिनका भी एडमिशन है उनका कोर्स जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। सिंपली आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। आपको ये नहीं सोचना कि एमकॉम फर्स्ट ईयर में MCO1 MCO4 कहां से आ गया, क्योंकि ये आपके लिए है ही नहीं। जिनका सिर्फ एडमिशन एमकॉम जैन 2022 में हुआ है, इस साल जनवरी में जिन्होंने एडमिशन कराया है, सिर्फ उनके लिए ये नियम लागू होगा, या इसके बाद जो लोग करवाएंगे उनके लिए ये नियम लागू होगा, प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है आपके मन में कि क्या सर असाइनमेंट की डेट बढ़ी है, तो हाँ बढ़ी है। अभी भी जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, 30 जून लास्ट डेट है असाइनमेंट्स को सबमिट करने का, फटाफट कर लो लिख करके। नहीं होता है तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि हैंड रिटन स्कैन्ड PDF प्रोवाइड करती हैं, आप उसको लेकर के फटाफट स्कैन करके ही भेज दो, कम से कम स्कैन PDF ही भेज दो मेल करके, वो भी कर सकते हो। नहीं तो लिखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, वो ज्यादा सही रहता है। क्या आप नोट्स प्रोवाइड करते हो? क्या नोट्स के साथ डाउट सेशन कॉम्प्लीमेंट्री है? जी हाँ, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बीकॉम और एमकॉम की नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एकदम रेडी हैं जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए। आप जब चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई टॉपिक समझने में आपको दिक्कत हो रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला सवाल है क्या आप ऑनलाइन क्लासेस करवाते हो? जी हाँ, ये डाउट सेशन क्लासेस तो हो गए उनके लिए जिनको नोट्स में दे रहा हूँ, प्लस जिनको नोट्स नहीं भी दे रहा हूँ, मतलब जिनका एडमिशन इस साल से हो रहा है जैन 2022 से, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया किसी साल से हम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो 4 स्टूडेंट हैं हमारे पास। मैं चाहूंगा कि और भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लें और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। किसी भी तरह की दिक्कत हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला है क्या एमकॉम जैन 2022 सेशन वाले एग्जाम दिसंबर 2022 में दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमकॉम जैन 2022 वाले, उनका बुक्स चूंकि अवेलेबल नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी एग्जाम ना दो, क्योंकि आप असाइनमेंट भी मुझे पता है आपने सबमिट अभी तक नहीं किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं असाइनमेंट्स के बारे में, तो सबसे अच्छा है कि 30 सितंबर से पहले आप असाइनमेंट सबमिट करो और दिसंबर में ही एग्जाम दो। ठीक है, अगला सवाल क्या आप असाइनमेंट के सॉल्व प्रोवाइड करते हैं? तो जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ असाइनमेंट के सॉल्व फ्री हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब आप करोगे तो आपको असाइनमेंट्स के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज ये चार्जेबल होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे जो कि है 8101065300। ठीक है, स्टिल अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आई होप कि मैंने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, स्टिल अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना या आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको नंबर दिखाया था। जी तो मैं वहां पे आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।